Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. आजाद भारत की नींव रखने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को एक बार देश हित में अपने ही पिता के खिलाफ क्यों खड़ा होना पड़ा, आइए देखते हैं। भारत को आजादी की लड़ाई के दौरान ऐसे लीडर्स मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो देश के लिए सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि अपनों से भी लड़ गए। और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उनमें से ही एक थे। भारत को पूर्ण आजादी दिलाने के लिए वो एक बार अपने पिता मोतीलाल नेहरू के खिलाफ खड़े हो गए थे। दरअसल मोतीलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप में तैयार की गई 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की बजाय डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। इसके तहत अंग्रेजों की अन्य पूर्व कॉलोनीज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह भारत के पास खुद पर राज करने की आजादी तो होती, लेकिन अंग्रेजों के किंग या क्वीन तब भी भारत के सुप्रीम लीडर्स रहते। नेहरू जी इसके सख्त खिलाफ थे। वो भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना चाहते थे, जिसके लिए वो अपने पिता के विरोध में उतर गए। पूर्ण स्वराज के लिए उन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया, जिसमें लिखा था कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आजादी न देने के साथ साथ उनका शोषण भी किया है, जिसने भारत को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और सोशली बर्बाद कर दिया है। इसीलिए अंग्रेजों के साथ सभी रिश्ते तोड़ना भारत के लिए महत्वपूर्ण है और पूर्ण स्वराज लेना भी। 1929 में नेहरू जी ने भारत का झंडा लाहौर की रावी नदी के घाट पर फहराकर देश को पूर्ण स्वराज दिलाने का ऐलान कर दिया। ऐसा करके उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी और देशवासियों को प्रेरित किया। नेहरू जी के इस टाइमली एक्शन की वजह से आजादी की लड़ाई में नया जोश भर गया और भारत ब्रिटिश की डोमिनियन की बजाय एक फुली इंडिपेंडेंट कंट्री बन पाया। नेहरू जी की पूर्ण स्वराज की इस सोच के पीछे देश के प्रति पूर्ण समर्पण छुपा हुआ था। उन्होंने 1917 से 1947 तक भारत की आजादी के लिए कठिन संघर्ष किया, जिसमें से करीब 3,259 दिन वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने की वजह से जेल में रहे। इस दौरान 1927 में उन्होंने भारत को बेल्जियम में इंपीरियलिज्म के खिलाफ हो रही एक कॉन्फ्रेंस में भी रिप्रेजेंट किया और भारत के लोगों के साथ अंग्रेजों द्वारा हो रहे मिसट्रीटमेंट के बारे में पूरी दुनिया को बताकर देश के लिए सपोर्ट जुटाया। देश विदेश घूमकर अंग्रेजों पे भारत को आजाद करने का प्रेशर डालने वाले नेहरू जी के अंदर देशवासियों को एक लीडर दिखने लगा था। इसीलिए भारत की आजादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश की जनता को निराश नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि उनके कैबिनेट में ऐसे नेता हों जो काबिल होने के साथ साथ देश की डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करें, फिर चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के क्यों ना हो। इसीलिए उन्होंने बी.आर. अंबेडकर, सी. राजगोपालाचारी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अलग अलग पार्टीज और विचारधाराओं से बिलोंग करने वाले दिग्गज नेताओं को अपने कैबिनेट में शामिल किया और ये इंश्योर किया कि हाल ही में आजाद हुए देश की उन्नति में पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से कोई बाधा ना आए। फिर अपने मजबूत कैबिनेट को साथ लेकर नेहरू जी ने अपना ध्यान देश को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस किया। उन्होंने भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को मॉडर्नाइज करके आउटपुट बढ़ाने के लिए डिजाइन किया। उनके नेतृत्व में राउरकेला और बोकारो में स्टील प्लांट्स बनाए गए और भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करके देश को डेवलपमेंट की राह पर ले जाने वाले उनके इन फैसलों की वजह से 1950 से 1965 के बीच भारत का इंडस्ट्रियल आउटपुट 3 गुना हो गया और भारत दुनिया की 7th बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री बन गई।
लेकिन नेहरू जी जानते थे कि देश पूरी तरह से संपन्न तभी हो सकता है जब वहाँ साइंस के साथ साथ आर्ट्स की भी अपनी एक जगह हो। इसीलिए उनके नेतृत्व में विश्व प्रसिद्ध भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की स्थापना के साथ साथ आर्ट्स के हब, साहित्य कला अकादमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे इंस्टीट्यूट्स की भी नींव रखी गई। अंग्रेजों के राज से आजाद होने के बाद देश की इंटरनल पॉलिसीज को मजबूत करना तो जरूरी था ही, लेकिन उतने ही जरूरी भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस भी थे। उस समय दुनिया में दो पावर ब्लॉक्स थे, एक तरफ USA था और दूसरी तरफ USSR। पर ये नेहरू जी की दूरदर्शिता थी कि वो जानते थे कि भारत को न्यूट्रल रहकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। इसीलिए भारत ने किसी भी पावर ब्लॉक से ना जुड़कर नॉन अलाइंड होने का फैसला किया, एक ऐसा स्टैंड जो आज भी कायम है। जब भारत बना था तब दुनिया ने एक सवाल उठाया कि क्या भारत 10 साल भी एक रह पाएगा। नेहरू जी ने हिंदुस्तान को सिर्फ टूटने से ही नहीं बचाया बल्कि उसे सशक्त भी बनाया। उनके देश हित में लिए गए इन्हीं फैसलों की वजह से भारत सरकार ने नेहरू जी को 1955 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया और उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया।